रेड लाइट, कैमरा चल रहा है फिर आज कैमरा चला ले आपा। सच्ची में भाई क्या कॉन्फिडेंस दे रही है, तुझे पीती हुई है फिर तुसी उधर देख के आ रहे सीधा बज रहे जो वो की नजरें ऐसी होती है ना बाइक को देख कर बोलते हैं कि भाई तुम्हारी गलती है। इतनी बाइक रखी क्यों है? बस शौक है, लड़की से प्यार करने से अच्छा कि बाइक से कर लूं। Hey guys, this is Andy, एक बार फिर से स्वागत है Cincinnati Vlogs में। और जैसा कि आप देख पा रहे हो मेरे सामने खड़ी है KTM RC 200 ब्रांड न्यू। स्पेशल थैंक्स तो अपने मेराज भाई यहाँ पे खड़े हुए। भाई कितना टाइम हो गया इस बाइक को? 4 महीने हुए हैं, मतलब ब्रांड न्यू BS6 मॉडल है। और कुछ मॉडिफाइड करवाया आपने इसमें? सब कुछ कंपनी वाला है। और आज इस ब्लॉग की शुरुआत हो रही है, गोकुल टावर लिखा हुआ है यहाँ से हो रही है। महराज भाई का अपना काम जो है इधर ही है, वो रिवील नहीं करेंगे, बाकी इस बाइक को चलाते हैं, अभी निकलते हैं। महराज भाई आप चलोगे साथ में? फिर मैं आपको कॉल करता हूँ, तो बात करते हैं इसकी। तो आज भाई मैं फुल मजे लेने वाला हूँ इस बाइक के। और कुछ ऐसा स्पीडोमीटर है भाई, फुल डिजिटल है, टैको का यूज़ तो नहीं हो रखा। 138 का इसका कर्व वेट बताया गया है। और बाकी इंटरफेस बहुत सेक्सी लग रहा है यार, पूरी सपोर्टी लुक के साथ। राज भाई ने जैसे बताया था रोकी डाई, सो काम तो वैसा ही कर रही है। काफ़ी अच्छा पुल मिलता है यार, जैसे कि आपको पता होगा कि मेरे पास RS 200 है, तो साइड बाय साइड मैं उसको रख के ये बाइक का रिव्यू भी दूंगा। तो देखो यार, प्रॉपर रिव्यूअर तो मैं हूँ नहीं, सीधा बोलता हूँ भाई, मुझे इतना सब पता नहीं है इंजन के बारे में। सो भाई एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। उसके अलावा इसके पावर की अगर मैं बात करूँ तो 25 PS की पावर प्रोड्यूस करती है। 200 CC की कोई और बाइक उठा लो, जैसे मेरी RS 200 हो गई, 24.5 PS की है उसकी, इसकी 25 point something की पावर तो है। और टॉर्क जो मेरी वाली का है वो 18.5 Nm का, और 19 point something Nm का टॉर्क इसका है। तो जो एक एक पॉइंट है वो आगे यही जा रही है। बाकी लुक वाइज दोनों ही बाइक बहुत सेक्सी है, और उसमें एग्रेसिव इतना नहीं बैठना पड़ता इसमें जितना कि मुझे बैठना पड़ रहा है। बाकी कॉन्फिडेंट बहुत आ रहा है भाई, बहुत सही आ रहा है कॉन्फिडेंस बाइक में। कॉन्फिडेंस इसलिए भी आ रहा है क्योंकि इसका जो टायर साइज है काफ़ी वाइड है, बहुत सही भक्ति भी है ये। एक चीज़ मुझे बहुत बढ़िया लगी भाई, गियर पोजीशन इंडिकेटर यहाँ पे बड़ा बड़ा दे रखा है। कन्फ्यूजन बहुत रहती है कि लाइक कौन सा गियर है, कितने डाउन करने पड़ेंगे। बाकी जिनको आदत पड़ जाती है उनको तो कुछ पता भी नहीं लगता, बट फिर भी इसके 4 अभी 5 गियर में हूँ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये मुझे बहुत सही लगता है यार RS 200 में अपडेट, हालांकि अभी तो आ चुका है, बट BS6 वेरिएंट में ही जो पहले वाले मॉडल थे वहाँ पे गियर पोजीशन इंडिकेटर का यूज़ नहीं कर रखा है इन्होंने, नहीं बता रखा। बाकी तो भाई सब सेट है यार, क्या मस्त गाड़ी है भाई, अग्रेसिव बहुत है ये बाइक, काफ़ी आई कैचिंग है। मैं जैसे अपनी RS 200 लेकर निकलता हूँ तो बहुत सारी पब्लिक यही बोलती है कि KTM ऐसा करके बोलती है। KTM ने अपनी पहचान बना रखी है एक स्पोर्ट्स बाइक में, क्रेज बहुत लेकर आई थी ये, काफ़ी हद तक इसका भी हाथ है। मिरर को खोल लेते हैं, सो यहाँ पे मैंने मिरर्स खोल लिया भाई, मतलब सही विजन आ रहा है, प्रॉपर दिखाई दे रहा है। इधर से राइट को टर्न लेंगे, ज़्यादा आगे नहीं जाना भाई, मैंने तो जैकेट भी नहीं डाल रखी, देखो एक शर्ट ही है मेरे पास बस। रेड लाइट, यार सबसे मस्त बात मुझे ये लग रही है इसकी कि इसमें ना वाइब्रेशन इतने नहीं है। मैं काफ़ी हद तक इसको रेडलाइन कर रहा हूँ तो मेरे पैरों पे इतनी ज़्यादा वाइब्रेशन भी नहीं आ रही है, और फ्रंट से भी कोई इतनी खास वाइब्रेशन तो नहीं आ रही है। हालांकि इंटरफेस इसका बहुत अलग है RS 200 से। साइड पैनल चेक करो भाई, और बहुत पब्लिक इसके रिएक्शन बहुत तगड़े तगड़े दे दिया, समझ रहे हो। तो एक बार फ्यूल अप करवा लेते हैं। हो ठीक हो भाई जी? कैमरा चल रहा है फिर आज कैमरा चला ले आपा। नहीं नहीं ये लग तो लेना पैंदा है। अच्छा। हाँ अलग से लेना पड़ता है इसको, बाकी हेलमेट में ही लगता है ये। हाँ ओके, फाइनली मैंने फ्यूल अप करवा लिया है भाई। फ्यूल तो बड़ा नहीं है इसका, तो समझ रहे हो 200-300 का फ्यूल तो दिखता ही नहीं है, 10 लीटर की फ्यूल की तो कैपेसिटी है इसकी। क्या बात है सर, क्या बात है सर, थोड़ा चेक कर लेते हैं कॉर्नरिंग कैसी है। क्या उठ रही है भाई बाइक क्या उठ रही है बाइक भाई, क्या ही उठ रही है, पकड़ कर रखी है पूरी, टायर ने पूरी पकड़ कर रखी है रोड पे। शिट,
लीनिंग देख रहे हो बे यार, एक तो भीड़ बहुत होती है इस रोड पे सच्ची में भाई, क्या कॉन्फिडेंस दे रही है यार ये गाड़ी, क्या ही कॉन्फिडेंस दे रही है। आप इतना लीन कर सकते हो, इसमें लेट सकते हो। तो इधर से मैं यू टर्न ले लेता हूँ, कोई फायदा नहीं है इधर से जाने का क्योंकि मुझे आगे तो जाना नहीं है, आगे तो भीड़ बहुत रहती है। आपके ऊपर है कि आप किस हद तक लीन करवा सकते हो इसको, इसमें इतनी कैपेबिलिटी है कि आपको धोखा नहीं देगी। और जैसा कि मैंने बताया था, पूरी एरोडायनेमिक बना रखी है, स्पोर्ट्स बाइक है तो पूरी स्पोर्टी लुक के साथ और पूरे एग्रेशन के साथ है ये बाइक। अभी थोड़ा सिटीज पे राइड करते हैं, फॉर द फर्स्ट टाइम मैं ऐसी बाइक राइड कर रहा हूँ, मुझे ऐसा थोड़ा थकावट तो नहीं लग रही है, बट लॉन्ग टर्म के लिए अगर चलाएंगे तो मतलब पूरा एग्रेसिव बैठना पड़ रहा है, तो दिक्कत तो आ सकती है अगर आप लॉन्ग टूर के लिए जा रहे हो। बट ऐसा है कि अगर आप ऑन कर लेते हो एक बार, आपको हैबिट पड़ जाएगी, फिर आपको कोई मतलब इतनी दिक्कत नहीं होने वाली है इस बाइक को लेकर। क्या बोलते हो सर, रश राइड कर दें? ऐसे फटती भी बहुत है तुम्हारे भाई की, बट ऐसा है कि कर सकते हैं। मैं ऑन कैमरा इतना सही से नहीं कर पाता हूँ, बी ऑनेस्ट, मुझे आदत नहीं है हेलमेट डाल के ऐसा मतलब तेज चलाने की, रश राइड करने की, सो आई कैन जस्ट ट्राई। पुल भाई पुल, बहुत सही पुल है इसमें। बे यार फिर भीड़ आ गई भाई, शीशे को बंद करना ही पड़ेगा, कोई लगा देगा भाई। फिर से राइट ही लेते हैं भाई। भाई यार इधर ना मेरे जोर बहुत आ रहा है, ये देखो लाल हो गई है हाथ। ऐसा है इसमें नहीं है, RS 200 में भी बहुत पड़ता है जोर। अगर आप चलते जा रहे हो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, ब्रेक्स वगैरह लगती है ना, होल्ड करना पड़ता है, तो यहाँ पे जोर पड़ता है बहुत। 200 cc में जितनी भी गाड़ी आई गेस इसको बीट मुश्किल से ही कर पाएंगी, हो सकता है और होंगी, बट मेरी नज़र में दिस इज द बीस्ट। चेक करो भाई, shit bhai, shit bhai. It was at this moment that he knew he fucked up. कहाँ अंकल कहाँ? तुसी पीती हुई है? ना ना ना। फिर तुसी उधर देख के आ रहे हो, सीधा बज रहे हो। क्या भाई? अब अंकल है भाई, अंकल को भी क्या ही बोलूँ मैं, बताओ। इतना गुस्सा आती है ना इन लोगों पे। अब तो कैमरा ऑन था, ऑफ कैमरा इतनी बार होता है, गलती है पता है किसकी, हमारी निकालते। लोगों की नजरें ऐसी होती है ना, बाइक को देखकर बोलते हैं कि भाई तुम्हारी गलती है, कितनी बार ऐसा हो रखा है। तो ऐसे भागते हैं ना फिर जब गलती होती है, ऐसे देखो कैसे निकले थे अंकल। अब मैं कुछ बोल भी नहीं सकता, ज्यादा बच्चा होता तो बताता, बट सोचना चाहिए यार पब्लिक को, पब्लिक सोचती नहीं है। बाइक को तो कुछ ज्यादा नहीं हुआ है, अंकल तो घुस गए थे बीच में। इधर ना पटियाले में सड़कें बहुत छोटी हैं, कहना पड़ेगा मुझे। इधर से अगर मैं सीधा जाऊँ ना डकारा रोड मतलब चौंक आ जाएगा, उसके बाद फिर आगे रोड जो शुरू होगी वो थोड़ी सी खराब ही है। इधर से अगर पीछे जाऊँगा तो फौरा चौंक आ जाएगा, उससे आगे जो रोड पकड़ूंगा साथ के साथ लीला भवन आ जाएगा। मतलब 1 किलोमीटर की भी रोड नहीं है, उससे भी बहुत कम, ज़्यादा बोल दिया मैंने 1 किलोमीटर। बाइक को इधर खड़ा लेता हूँ एक बार, बहुत एग्रेशन के साथ चल रही है बाइक। बाइक की अगर मैं बात करूँ यार, बाइक बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर KTM RC 200, सो कुछ ऐसी लुक आपको मिलने वाली है। और ये BS6 वेरियंट है, ये जो लुक है आप देख पा रहे हो और जो ऑरेंज कलर है यही आपको मिलेगा। डिस्क की अगर मैं बात करूँ, ब्रेकिंग की अगर मैं बात करूँ, तो बाइबर की यहाँ पे ब्रेक्स दे रखी है, ब्रेक पैडिंग इसकी काफ़ी वाइड है एज़ कम्पेयर टू पीछे वाली। स्पोर्ट्स बाइक का होता ही है ये, आगे वाली जो डिस्क है ना वो ज़्यादा वाइड होती है, ज़्यादा बड़ी होती है। फेयरिंग की अगर मैं बात करूँ, और जो इसका वाइब्रेशन है ना, वाइब्रेशन मुझे बहुत कम लगा, और मेरे पैरों पे भी जब मैं रेड लाइन कर रहा था इस साइड होता है ना वाइब्रेशन फील होती है, सो यहाँ पे मुझे बिल्कुल भी वाइब्रेशन फील नहीं हुई, और कुछ ऐसी देखने में लग रही है। फ्रंट से मैंने आपको दिखा दिया, और एक बार ऑन करके टेल आईडी भी दिखा देता हूँ। बाइक पूरी उठी हुई है इधर से, और टेल आईडी कुछ ऐसी है इसकी, सो यहाँ पे रेडी टू रेस लिखा हुआ है भाई, और 200 cc की ये बाइक है, हालांकि पेपर वर्क में 199 cc की बता रखी है। सो यहाँ पे एक वाइट कलर की लाइट दे रखी है, LED लाइट जो लगती है सीधा इसमें। गाइस फाइनली अपन बाइक राइड करके आ चुका हूँ मैं इधर, और महराज भाई से अपनी बात हुई थी। महराज भाई एक बार बता दो सारी पब्लिक को, कितनी बाइक है आपके पास? मेरे पास पांच बाइकें हैं। एक तो फेदर 150 हो गई, एक R15 हो गई, एक R15 हो गई, एक अपाची हो गई 390। अच्छा अपाची 390, KTM 390, एक डोमिनार, एक डोमिनार और एक KTM 390, और बाकी ऐसे तो आप यूपी में रहते हो? हाँ, तो मेन तो जो गाड़ी है ना वो वहीं पे है, अगर इधर होती मैं आपको जरूर दिखाता। वैसे भाई ने ना पहले इधर चलाने के लिए मार्केट में जैसे काम रहता है काम तो डिस्कवर रखी हुई थी पहले,
अभी के लिए भाई देखो ये KTM ब्रांड रखा हुआ है। इतनी बाइकें रखी क्यों है? बस शौक है, लड़की से प्यार करने से अच्छा कि बाइक से कर लो। बात तो सही है। ये बाइक धोखा नहीं देती ना, अच्छा धोखा देगी तो खुद भी चोट खाएगी, लड़की हाँ। तो सीधा दिल पे चोट मार देती है। तो बाइक से प्यार करो। अच्छा एक बात बताओ, कभी प्यार हुआ है आपको? हुआ था तभी तो कह रहा हूँ। सही है यार, तब से मैंने बाइक से प्यार कर लिया। मतलब एक्सपीरियंस से सारी चीजें होती है, वो बात तो सही है आपकी। और बाकी बहुत अच्छा लगा महाराज भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, मतलब थैंक यू यार, मतलब इतनी बड़ी चीज मेरे को देने के लिए। मेरा तो प्लान है निंजा ZX10R का। अच्छा, जिस दिन लाऊंगा फर्स्ट राइड तुम्हें। हाँ। भाई बहुत अच्छा लगता है ऐसा बोल रहे हैं भाई। और ठीक है जरूर। तो भाई ZX10R बहुत हाई लेवल वाली बात बोल रहे हैं, और बोल रहे हैं तो लेकर भी आएंगे, जब भी हुआ मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा। चौंक बहुत बड़ी चीज होती है। तो ये कुछ सफ़र था महराज भाई के साथ आज, और इस वीडियो को यहीं पे मैं आज खत्म करता हूँ। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो हिट कर देना सब्सक्राइब। बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट किसी अच्छे कंटेंट के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखो अपना गाइस, बाय करता हूँ मेरे।